तो और भाई लोग कैसे हाल चाल पबजी लवर्स आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा तगड़ी खुशखबरी है। एक मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के आ रही है कि पबजी इंडिया में अनबैन हो सकती है। उसके लिए पबजी वाले इंडिया के लिए प्रॉपर अपना वर्जन निकालेंगे, जैसे चाइना का वर्जन है ना, कोरिया का वर्जन है, उस हिसाब से हमारे लिए एक वर्जन निकलेगा। ग्लोबल वर्जन जैसे ही होगा तो आप ये देखो रिपोर्ट है ये पूरी प्रॉपर, तो उसके अंदर ये सब बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, वरना मैं लिंक तो प्रोवाइड करूंगा इस रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके पढ़ लेना। और अब बात करते हैं अनबैन ये होगी या वर्जन निकलेगा इंडिया के लिए टेंशन से हटके। तो जहां तक मेरे को लग रहा है, जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ, जहां तक मैंने देखा या सुना है ना लोगों से, मेरे को लग रहा है इंडिया के लिए वर्जन आएगा ग्लोबल वर्जन टेंशन के साथ ही रहेगा, और इंडिया के जो वर्जन आएगा वो ब्लू होल अपने मतलब अपने आप निकालेगी या फिर किसी अमेरिका या किसी और कंट्री की कंपनी के साथ निकालेगी। जैसे ग्लोबल वर्जन टेंसेंट का और इसका है ना, क्या बोलते हैं, ब्लू होल का, और अब इसके साथ ही इंडिया का वर्जन सिर्फ ब्लू होल वाले निकाल सकते हैं। और अब बात रही दूसरा पॉइंट कि ये कब तक निकलेगी या कब तक बैन हटेगा इस पे से, तो इसके रिगार्डिंग तो अभी कुछ पता नहीं है। पर यार ऑफिशियल रिपोर्ट के बाद ना लॉन्डे मतलब नाचे पड़े खुश हो रखे हैं कि पबजी बैन हो रही है। लवर्स का अब तो दिन कटना भारी नहीं हुआ, अब कोड वाले इतनी मुश्किल से तो आगे बढ़ने चालू हुए थे, कोड वाले फिर दोबारा वही मंदी में चले जाएंगे। तो इसलिए यार मैं तो यही कहूँगा कि सारी गेम्स खेलो, पबजी अनबैन होने के बाद भी कोड खेला करना, कभी कभी खेल ली। फिर ये बोलते हैं ई स्पोर्ट्स इंडिया में बढ़ क्यों नहीं रहा, सारी बात तो यही है ना, दूसरे गेम कोई ट्राई करनी है नहीं, अगर दूसरा गेम कोई ट्राई कर रहा है तो उसे बोल रहे बेकार बेकार, तो ऐसे नहीं होता ना लॉन्डो। और अब बात रही अनबैन कब तक हो सकती है, देखो भाई अगर नई गेम डेवलप करेंगे तो उसके लिए कम से कम ना, अगर गेम मतलब बेस लेके भी दोबारा डेवलप करने बैठेंगे ना इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लिए मतलब प्रॉपर वर्जन निकालेंगे। चाइना का वर्जन तो आपने देखा, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है जो ग्लोबल के आर किसी में भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर इंडिया के लिए अपने यूनिक वर्जन निकालेंगे ना, उसमें कम से कम 3 से 3 महीने तो लग सकते हैं, क्या पता ये जल्दी पूरे दिन रात मेहनत करके 1 महीने के अंदर निकाल दे, क्योंकि अभी 22 सितंबर से PMPL भी स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया के, तो अब देखते हैं क्या होगा। मैं तो खुशी हूँ यार कि चलो लोंडो की बेरोजगारी कह रहा हूँ, लोंडो की रोटी सब्जी चलनी चालू हो जाएगी दूसरों की। जैसे आपको अभी रिसेंट पता चली गया हो कि मेगा स्टार्स का जो लाइनअप था वो डिसबैंड कर दिया मेगा स्टार्स ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरे को उनके लिए बहुत बुरा लगा। मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे, तुमने बैन उनके तुमने एकदम ऐसे ही निकाल दिया, यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे तुम फिर एकदम धक्का सा दे रहे उन्हें। तो बात यही करनी थी, खुशी तो हो रही है यार कि पबजी अनबैन होगी, अनबैन तो नहीं इंडिया का वर्जन निकलेगा, वो अनबैन नहीं कह सकते उसे। तो चलो भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी तरह पबजी लवर हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, मैं इस टाइप के वीडियोस और लाता रहूँगा। मॉन्टेज के साथ वॉइस ओवर वाले गेम प्ले से जहर जहर आने चालू होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना।